अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और यहाँ पे आज हम बना रहे हैं जी मखनी बोनलेस हांडी, ठीक है। और सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन मैरिनेट करना है, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने इसके लिए ले लेना है 1 kg बोनलेस चिकन, ठीक है, उसके क्यूब्स कर लेने हैं। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सबसे पहले 1/2 teaspoon हल्दी और 1 teaspoon आपने ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जी 1 teaspoon सॉल्ट और 1 teaspoon ही आपने रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है, इतना। उसके बाद आपने इसमें डाल देना 2 to 3 tablespoon सॉरी आपने योगर्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और आपने 1 tablespoon ले लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, यूँ इसके अंदर ये ऐड कर देना है। अब आपने चीज़ को करना है अच्छे से मिक्स जी। अब हमने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स, ये देखें। और अब हमने इसको 10 to 15 minutes रेस्ट देना है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी आपने इसे कैसे कुक करना है। हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले लिया, ठीक है, आप फ्राई पैन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसमें हमने ऐड कर दिया है 5 tablespoon कुकिंग ऑयल, ठीक है। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके चिकन पीस ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये रही जी चिकन की फाइनल लुक, ठीक है, ये देखें। इसको अच्छे से हमने मैरिनेट करके उसके बाद से फ्राई कर लिया था। और अब हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है जी। ये फिर से हमने कढ़ाई ले लेनी है यही वाली, और जो ये ऑयल था चिकन वाला जिसमें चिकन में हम लोगों ने फ्राई किया था वही ऑयल हमने थोड़ा सा इसमें डाल लेना है, सिर्फ ये वाला इतना सा, ठीक है। अब आपने इसमें 2 tablespoon बटर ऐड कर देनी है, ठीक है, इस तरह। और इसको अच्छे से उसके बाद मिक्स कर लेना है। आपने इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ी देर फ्राई करना है, सिर्फ 2 to 3 minutes, और उसके बाद हमने इसमें टमाटो ऐड। आपने इसमें 2 medium size टमाटोज ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपने गार्लिक ऐड करनी है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। चलें जी, ठीक है। अब हम लोगों ने इन टमाटोज को थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देना है इस तरह, और सारे मिक्सचर को फिर हमने ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर में, ठीक है जी। ये ब्लेंड कर लिया था, और अब हमने इसको एक स्ट्रेनर में डाल के सारे मिक्सचर को, और इसको हम लोगों ने स्टेन कर लेना है, ठीक है जी। ये अब हमने अच्छे से कर लिया है स्टेन, ठीक है। और आपने इसको दोबारा से कढ़ाई में ही ऐड करना है, और फ्लेम इसकी आपने ऑन ही रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ हमने क्या करना है। और ये जो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट किया था थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड करके, ठीक है, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने 1 tablespoon डाल देने हैं जी इसके अंदर रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon ही आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, या अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देना आपने इसके अंदर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर और 1/2 teaspoon ही आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। इसमें जो हम लोगों ने चिकन फ्राई किया था वो सारे ऐड कर देना है, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। चिकन तो वैसे ही गला हुआ था हमारा, बस आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ताकि ये ग्रेवी में हो जाए आपने इसको ढक देना है, ठीक है। ये हम लोगों ने अब इसमें ऐड करनी है ऑल पर्पस क्रीम, ठीक है, 1/2 pack। आपने इसमें बटर ऐड कर देना है, ठीक है। और बस ये अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर अरे जी, अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही यमी बनी है। मैं आपको इसकी मज़ीद जो फाइनल लुक होगी इसके ऊपर हम जो गार्निशिंग करेंगे वो भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत ही टेस्टी बनी है, और ये है जी इसकी फाइनल लुक, बहुत टेस्टी बनी है, और ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि कैसी बनी। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।